हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको एक बहुत ही ज़्यादा गुड न्यूज़ देना चाहती हूँ। जैसे कि आप सबको पता है कि मैं डांसर हूँ, पर इस चैनल में आप कोई भी डांस वीडियो देखना पसंद ही नहीं करते हो। मैं एक दो वीडियो अपलोड करी हूँ, पर आप सबको मेरी सॉरी ग्राफिंग ट्यूटोरियल और मेकअप ट्यूटोरियल बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। तो मैंने क्यों ना हम एक अलग चैनल बना दें, जिससे हम कोई भी मेकअप ट्यूटोरियल अपलोड नहीं करेंगे, बस डांस ही डांस वीडियोस अपलोड करेंगे। तो मैंने ऑलरेडी बना दिया है, आप जाके क्यूटी पहली बार डांस के चैनल पे सर्च करिएगा और वहाँ पे बहुत जल्द ही मैं वीडियो लेके आऊँगी और अच्छी अच्छी वीडियोस आप सबके लिए लेके आऊँगी। तो जो भी डांस वीडियोस देखना पसंद करते हैं और इंटरेस्टेड हैं, वो जाके मेरे जो कमेंट बॉक्स में, उसमें पिन कमेंट में आपको चैनल का लिंक मिल जाएगा और प्रोफाइल में आपको जाएंगे तो मेरे सेकेंड चैनल क्यूटी पहलीमा डांस के नाम पे, वो भी वहाँ पे आपको प्रोफाइल मिल जाएगा। आप जाके सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे दबा के रखना, ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। और ये वाला चैनल में जैसे हमेशा होता आता था, साड़ी ड्रॉइंग ट्यूटोरियल और मेकअप ट्यूटोरियल हमेशा के लिए आप देख पाएंगे। इस चैनल में ये वाला वीडियो देखेंगे और डांस चैनल में डांस वीडियोस अपलोड वाला वीडियो देखेंगे। तो तब तक आप ये वाला वीडियो देखिए और जल्दी से मेरे चैनल को, सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं जो भी आप सबके लिए मेहनत करूँ वो आप सबके पास पहुँच पाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मेकअप स्टार्ट करने से पहले आपको स्किन केयर कर देना चाहिए। इसके बाद आपको पैन स्टिक लेना है, वो भी अपनी फेस के नंबर के हिसाब से, क्योंकि जिसका जो कलर है उस हिसाब से पैन स्टिक लेना चाहिए, नहीं तो वो बिल्कुल परफेक्ट मेकअप नहीं दिखेगा। और ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो थी, जो कि काफ़ी टाइम पहले मुझे रिक्वेस्ट आई थी, पर थोड़ा सा वीडियो बनाने में मुझे लेट हो गया है। आप समझ सकते हैं, मैं क्लासेस करती हूँ, उसके बाद वीडियो शूट करती हूँ, तो इतना ज़्यादा मतलब नहीं कर पाती हूँ, पर फिर भी आप सबके लिए मैं हर टाइम कोशिश करती हूँ अच्छी अच्छी वीडियोज़ लाने के लिए। तो इसके बाद आपको क्या करना है, एक स्पॉन्ज लेना है, उसको गीला कर देना है, और गीला करने के बाद उसको डैप डैप करके पूरे फेस में लगाना है। अगर आप रगड़ रगड़ के करेंगे तो वो इतना अच्छा नहीं दिखेगा, आपको डैप डैप करके ही उसको ब्लेंड कर देना है। तो मैंने कर दिया है। इसके बाद आपको क्या करना है, पैन केक लेना है, वो भी अपने नंबर के हिसाब से। आप जाएंगे दुकान में, वो आपको दे देंगे आपके फेस के हिसाब से। उसके बाद स्पॉन्ज को फिर से गीला करना है, और गीला करने के बाद फिर से हमें पैन केक को अप्लाई करना है और उसको अपने फेस में ब्लेंड कर देना है। अगर आप सबको मेरी वीडियोस थोड़ा सा भी पसंद आता है, मेरी मेहनत आपको दिखाई देता है, तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नहीं किया है। अगर कर लिया है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। इसके बाद आपको क्या करना है, पाउडर लेना है। जैसे कि विंटर सीजन आ गया है, हमें बहुत ही ज़्यादा पाउडर नहीं लगाना है, पर थोड़ा सा लगाना है, नहीं तो बिल्कुल अच्छा नहीं दिखेगा। और मैंने एक ब्रश लिया है, और ब्रश की मदद से मैंने थोड़ा थोड़ा करके अपने फेस में पाउडर लगा दूँगी। इसके बाद आपको क्या करना है, अगर आप छोटे छोटे बच्चे हैं तो आप इसके बाद मैं जो स्टेप करूँगी आप चाहो तो उसको स्किप कर सकते हो। अगर आप बड़े देख रहे हैं, अगर आपको पता है तो आपको पता ही होगा, जैसे हम कंटूरिंग करते हैं और ब्लश लगाते हैं अपनी चिक्स पे, तो मैं सबसे पहले अपने आईज पे आई शैडो लगाऊंगी, और आई शैडो लगाने के बाद ही हम अपनी कंटूरिंग करेंगे और ब्लश लगाएंगे। तो आई शेडो भी मैंने बहुत ही ज़्यादा सिंपल रखा है, बस पिंक कलर लिया है और उसको अप्लाई कर दिया है बस, और कुछ भी नहीं लगाया है, क्योंकि ये सबके लिए वीडियो है जो भी मेकअप सीखना चाहते हैं। We'll be right back.
जैसे कि आपने देखा जो मैंने कंटूरिंग किया और ब्लश लगाया, आप चाहो तो इसको स्किप कर सकते हो। इसके बाद हमें क्या करना है, काजल लेना है और काजल से ही आपको ध्यान रखना है, काजल से ही आपको आईब्रो और काजल दोनों का करना है। और मैंने एक फ्लैट ब्रश लिया है आईब्रोज़ के लिए, और आँखों के लिए मैंने बहुत ही ज़्यादा थिन ब्रश लिया है, आप आगे देख पाएंगे। तो फ्लैट ब्रश लेके मैं आईब्रोज़ को फिलअप कर दूँगी। और आँखों को मैंने बहुत ही ज़्यादा सिंपल रखा है, क्योंकि संबलपुरी में इतना ज़्यादा हेवी आई लुक अच्छा नहीं दिखता है। ओडिसी में अच्छा लगता है पर संबलपुरी में नहीं अच्छा दिखता है। अगर आपको पसंद है तो आप कर सकते हैं अपने अपनी चॉइस के हिसाब से, पर मैं बहुत ज़्यादा सिंपल रख के आई वाला काजल लुक कर रही हूँ। और संबलपुरी डांस में क्या क्या ऑर्नामेंट्स लगाते हैं मैं आगे दिखाऊंगी। इसके लिए भी मुझे कमेंट में आया था, तो मैंने अलग से वीडियो बनाना मुझे अच्छा नहीं लगा, मैंने एक ही वीडियो में बना दिया है। मेकअप के बाद मैं ऑर्नामेंट्स को भी दिखाऊंगी, किसको कहां पे अप्लाई करना है, तो आपको वीडियो लास्ट तक देखना है, नहीं तो आप नहीं समझ पाएंगे। और रेड बिंदी हम लगाएंगे। इसके बाद वाइट फैब्रिक जो आपको बुक स्टोर में आसानी से मिल जाएगा, और जो हेयर में जो हेयर पिन लगाते हैं ना उसको मैंने बिल्कुल सीधा कर दिया है, और उसी पे ही मैं वाइट वाला फैब्रिक को लगा रही हूँ। आप उसको एक मेकअप बॉक्स में डाल के रखना है, ताकि जब भी हम बाहर जाएंगे हमें बिंदी लगाने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो पाए। तो मैंने रेड लिपस्टिक लगा दिया है, और आप देख सकते हैं पीछे हमारा जो डॉग है वो पीछे घूम रहा है, तो उसको मैं एक जगह पे नहीं बिठा पाती हूँ, क्या करूँ, मतलब वो इतने मासूम होते हैं तो उनको गुस्सा भी नहीं कर सकते हम, है ना। और अगर आप बच्चे हैं तो भी आप हाइलाइटिंग कर सकते हैं, क्योंकि स्टेज पर जब हमारे फेस पर लाइट पड़ेगा तो बहुत ही ज़्यादा शाइनी सा लुक आएगा और ग्लो करेगा हमारा फेस, तो हाइलाइटिंग थोड़ा थोड़ा कर देना चाहिए सबको। इसके बाद जो संबलपुरी का मेन चीज़ है, मतलब जो थ्री डॉट्स हम देंगे ब्लैक में, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके बिना मेकअप बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं लगेगा। और यहाँ पे छोटा सा काला तिल तो बनता है, जैसे कि सबको पसंद है मेकअप में, जो क्लासिकल और सेमी क्लासिकल डांस है
उसमें काला तिल सब करते हैं। और नीचे मैंने 3 डॉट्स दे दिया है और आंखों के दोनों साइड पे भी मैंने 3 डॉट्स दे दूंगी। तो ये इसमें संबलपुरी वाला लुक कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद मैंने आई मस्कारा लगाया है, आप चाहो तो इसको स्किप कर सकते हो। और लास्ट में मुझे थोड़ा थोड़ा सा कंप्लीट नहीं लग रहा था बिंदी में, तो मैंने क्या किया, व्हाइट डॉट्स के ऊपर ब्लैक डॉट दे दिया और नीचे भी छोटा सा ब्लैक कलर का डॉट दे दिया। तो यहाँ पे हमारा मेकअप लुक कंप्लीट हो जाता है। तो मैंने सब कुछ ऑर्नामेंट्स और हेयर एक्सेसरीज वगैरह लगा दिया है, पर यहाँ पे मैंने जो वाइट कलर का बला आता है उसको स्किप किया है। आप चाहो तो लगा सकते हो बिल्कुल इसी तरीके से। तो कैसा लगा मुझे वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना, और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक में देखना है वो भी बता देना। तब तक के लिए रहती हूँ, बाय बाय।